हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो आज दो प्रश्न हैं, उसका उत्तर देंगे हम। पहले तो आज प्रश्न आया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन, और दूसरा है हाउ कैन वी बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन में छह चीज़ें हमेशा हमें ध्यान रखनी होती है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, है ना। अनुकूल चीज़ें कृष्ण की सर्विस में यूज़ करना है, अनुकूल कंडीशंस कृष्ण की सर्विस में यूज करना है, और प्रतिकूल चीज़ें जो अनफेवरेबल चीज़ हैं कृष्ण के सर्विस में यूज नहीं करना है। ये दो एक हो गया। दूसरा, कन्विक्शन हमारे अंदर होना चाहिए कि कृष्ण मेरी हमेशा रक्षा करेंगे, है ना। तीसरा होना चाहिए एक्सेप्टिंग कृष्णा एज अवर लॉर्ड, एज अवर मास्टर, है ना। पांचवा होना चाहिए सेल्फ सरेंडर, और छठा होना चाहिए ह्यूमिलिटी, है ना। तो ये छह चीजें जब भी आएंगी हमारे अंदर, हम ये छह चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और छह चीजों को फॉलो करेंगे, तो इसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि स्पिरिचुअल परफेक्शन मतलब अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम कैसे आता है। कि जैसे हमारे शरीर के लिए जो चीज हमारी हेल्थ के लिए अनुकूल होती है तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। जैसे डायबिटीज है तो हमारे शरीर के लिए जो फेवरेबल है वही चीज़ें खाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, ठीक है। तो उसी तरह हमारी जो भवरोग को पार करने के लिए जो वस्तु कृष्णा की सर्विस में फेवरेबल है उसे एक्सेप्ट करें, और जो कृष्णा की सर्विस में फेवरेबल नहीं है उसे एक्सेप्ट ना करें, उसे रिजेक्ट करें। और रक्षयति विश्वासो, रक्षयति रक्षति विश्वासो, है ना। भगवान हमारा हमेशा हर पद पे भक्त का क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए हमारे में, है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, नमे भक्त प्रणश्यति, तो भगवान के वर्ड कभी भी झूठे नहीं हो सकते, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है क्या है, हमारी रक्षा करेंगे, है ना। फिर भगवान को एज हमारा मास्टर हमें समझना है, ठीक है। और इसमें सेल्फ सरेंडर होना चाहिए, किसी के कहने पे कोई आपको ज्ञान देता है, भगवान की भक्ति में लगाता है तो ये ठीक है, परंतु ये अंदर से भी आना चाहिए, सेल्फ सरेंडर आना चाहिए, और ह्यूमिलिटी यानी विनीत भाव से, ना कि चैलेंजिंग मोड से होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल परफेक्शन, है ना, डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। लेकिन हम स्पिरिचुअली परफेक्ट बनेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो पहले तो बाय एसोसिएटिंग डिवोटीज, साधु संघ, इससे आदमी स्पिरिचुअल परफेक्ट बनता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन साधु संघ, आदो श्रद्धा, साधु संघ, कन्विक्शन आ गया, आदो श्रद्धा आ गई, तो साधु संघ आएगा। साधुओं के साथ संघ करेंगे, भक्तों के साथ, वैष्णवों के साथ संघ करेंगे, तो हमें वो क्या सिखाएंगे, भजन क्रिया सिखाएंगे, है ना। क्योंकि हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है, तो हमें किसी परफेक्ट के साथ संघ करना पड़ेगा। हमारे हाथ का रिमोट कंट्रोल, हमारा जो रिमोट कंट्रोल है, वो खुद का रिमोट कंट्रोल हमें किसके हाथ में देना पड़ेगा, है ना, भगवान के प्रतिनिधि गुरु शिष्य के परंपरा से आते हुए गुरु के हाथ में देना पड़ेगा, तभी हम स्पिरिचुअली परफेक्ट बन सकते हैं, है ना। हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब हम, है ना, क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगाएंगे तब हम स्पिरिचुअली परफेक्ट बन सकते हैं। ऋषिकेश मतलब हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश के हार के सेवा में लगाएंगे तब हम क्या होंगे कि भगवान की भक्ति में स्पिरिचुअल परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। इंद्रियां कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, आंखें वही देखें, भगवान का दर्शन करें, पांव भगवान के टेंपल तक जाएं, वाणी जो बोले वो भगवान के बारे में बोले, भगवान के गुणगान गाएं, भजन करें, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हमारे सेंसेस जब हम भगवान की सर्विस में यूज करेंगे तो हमारे अंदर का जो कलमश है, हृदय का जो कलमश है, वो धीरे धीरे दूर होता जाता है। जब वो हृदय का कलमश दूर होता है तब हम स्पिरिचुअल परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। परंतु ये कृष्ण कथा जो है, जो हमारे हृदय को पवित्र करती है, वो हमें गुरु परंपरा से आए हुए गुरु के साथ ही सामने से ही सुननी चाहिए, है ना, प्रामाणिक गुरु के पास जाके सुनना चाहिए, है ना। और कभी कभी हम क्या करते हैं, कथा सुनते हैं या भगवान का नाम जप करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। दैट इज एक्चुअली क्लीनिंग प्रोसेस, वी डोंट हैव टू मच ड्वेल इन टू इट, हमें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देके हमारी भक्ति में ध्यान देना, ठीक है। इस तरह से हम स्पिरिचुअली परफेक्ट बन सकते हैं। परंतु इसमें एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जिस दिन मैं ये समझ लूँ कि मैं स्पिरिचुअली परफेक्ट बन गया हूँ,
तो मेरा जो प्रामाणिक गुरु के साथ कनेक्शन है वो मैं तोड़ दूंगा और फिर मैं इम्परफेक्शन पे आ जाऊंगा। तो हम भले चाहे कितने भी परफेक्ट बन जाए, लेकिन हमें हमारे गुरु के साथ जो है, स्पिरिचुअल मास्टर के साथ है ना, उसके साथ हमें हमारा कनेक्शन तोड़ना नहीं है, उसके साथ हमें हमारा कनेक्शन जोड़ के रखना है ना। हम जब हमारा कनेक्शन तोड़ रखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, स्पिरिचुअली इम्परफेक्ट हो जाएंगे। तो बस है ना, हमें हमेशा परंपरा से जुड़े रहे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और डिस्कनेक्ट ना हो कृष्णा से और कृष्णा के प्रतिनिधियों से, साधु संघ के डिस्कनेक्ट ना हो, तो हम स्पिरिचुअली परफेक्ट बन सकते हैं। तो शॉर्टकट में यही बताना था मुझे। हरे कृष्णा। कृपया मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।